हेलो एवरीवन दिस इज सेकंड वीडियो ऑफ आर सीरीज ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बीएड एड इंट्रेंस एग्जाम 2022 सो स्टार्ट करते हैं आर फर्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ द सन विच इज विजिबल ज्यूरिंग एक्प्सिस ओनली इज नोन एज तो कौन सा पार्ट है सन का जो एक्लिप्सिस के टाइम पर ही दिखाई देता है उसको क्या बोला जाता है ये हमारा क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोरोना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं स्पाइगमोमैनोमीटर इज़ यूज फॉर ये जो इंस्ट्रूमेंट है स्पाइगमोमैनोमीटर ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है तो ये आपने सुना भी होगा तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिजरिंग द सिस्टोलिक एंड डायलोस्टिक ब्लड प्रेशर ऑफ मैन यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली ब्लड प्रेशर को मीजर करने के लिए यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स में भी आप इसको देखोगे डॉक्टर्स के पास ये होता है क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं द मोस्ट अबंडेंट गैस इन एयर इज यानी कि एयर के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाइट्रोजन और ये प्रेजेंट होती है सेवेंटी एट परसेंट इन एटमोस्फेयर बाकी और गैसेज का अगर आपसे पूछ ले तो सेकंड पे आती है हमारी ऑक्सीजन ट्वेंटी वन परसेंट फिर आती है आर्गन जीरो पॉइंट नाइन परसेंट और फिर अदर गैसेज होती है वो होती है अराउंड जीरो पॉइंट वन परसेंट के एरिया में बाकी गैसेज अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर द मोस्ट कॉमनली फाउंड एसिड इन नेचर इज नेचर में जो कॉमन एसिड मिलता है मतलब बेसिकली सबसे ज्यादा वो पाया जाता है वो कौन सा एसिड है तो यह ऑप्शन नंबर डी यानी कि एसिटिक एसिड अब बात करें तो एसिटिक एसिड acid किस किस चीज़ों में पाया जाता है अगर ये चीज़ें पूछी जाए तो ये जितने भी टाइप के विनेगर्स होते हैं उन सभी में पाया जाता है मस्टर्ड में पाया जाता है सोसेज जो होती हैं उनमें पाया जाता है म्योनीज आप खाते होंगे उसमें पाया जाता है और जितने भी पिकल्ड फूड होते हैं उन सभी में एसिटिक एसिड acid होता है क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं दिस बॉम्ब इज यूज टू डिस्ट्रॉय लिविंग बींग्स बट वुड नॉट डैमेज द बिल्डिंग्स एंड अदर प्रॉपर्टी उस बॉम्ब का आपसे नाम पूछा है जो जो यूज किया जाता है जिससे क्या है डिस्ट्रॉय हो जाता है यानी ह्यूमन बींग्स को मारने के लिए यूज किया जाता है लेकिन उससे क्या है डैमेज नहीं होता बिल्डिंग्स को या किसी और प्रॉपर्टी को कभी उससे डैमेज नहीं होता वो बेसिकली यूज किया जाता है ह्यूम्स को मारने के लिए तो यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूट्रॉन बोम न्यूट्रॉन बोम एक ऐसा बॉम होता है क्वेश्चन नंबर सिक्स देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मिजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स विच आर ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस यूनिट में मेजर करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो हमारे ऑप्शन क्वेश्चन सिक्स का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी किलो वाट आर जिसको बोलते हैं के डब्ल्यू एच क्वेश्चन नंबर सेवन है इन कोल्ड कंट्रीज द रेडिएटर वोटर ऑफ कार्स इज मिक्स विद ग्लिस दिस इज ड्यू टू ये क्यों किया जाता है जो रेडिएटर वॉटर होता है कार का उसको ग्लिसरोल के साथ मिक्स किया जाता है वो भी कोल्ड कंट्रीज में जहां का एटमॉस्फेयर कोल्ड होता है तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी रिड्यूसिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रीजिंग पॉइंट वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम ऐसा करते हैं क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर एट है इफ द रिक्टर स्केल शोज अ वैल्यू ऑफ सेवन पॉइंट टू दैन द सेजमोग्राफ इंडिकेट्स रिक्टर स्केल है जिससे हम अर्थ कुएक को मेजर करते हैं अगर उसमें वैल्यू आती है हमारी सेवन पॉइंट टू तो ये इससे क्या है जो ग्राफ है वो क्या इंडिकेट करता है तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एन अर्थ कुएक ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी बेसिकली सेवन से ऊपर जाते ही जो वैल्यूज आती है उससे पता चलता है कि अर्थ कुएक हाई इंटेंसिटी का है तो यहाँ पे सेवन पॉइंट थ्री लिखे फोर लिखे कुछ भी लिखे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इज बेस्ड प्राइमरली ऑन तो पहले बात करें थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अगर आपसे पूछा जाए इसे किसने दिया था तो इसे दिया था चार्ल्स डार्विन ने और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सेलेक्शन ये इसी पर बेस्ड थी पूरी थ्योरी क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं कॉमन कोल्ड यूज इन अवर हाउस होल्डस हमारे घर में जो कॉमन कोल यूज किया जाता है वो कौन सा कोल होता है जहाँ पे लिखे हुए जैसे एंथ्रासाइड बिट्यूमिनस लिगनाइट ये सारे कोल होते हैं बट जो कॉमनली घरों में यूज किया जाता है वो कौन सा कोल है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एंथ्रासाइट अगर आपको और कोई नाम यहां पे दे हार्ड कोल ब्लैक कोल तो एंथ्रासाइट को ही हार्ड कोल और ब्लैक कोल भी बोला जाता है ये काफी हार्ड होता है एकदम ब्लैक क्वेश्चन नंबर इलेवन

तो उसकी वजह से माना जाता है कि अगर मून पे वाटर है तो कहीं ना कहीं लाइफ भी एग्जिस्ट कर सकती है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखते हैं व्यागरा इज द मेडिसिन फॉर व्यागरा एक मेडिसिन है किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रीटमेंट ऑफ मेल इंपोर्टेंसी अब ये मेल इंपोर्टेंसी क्या है तो इट इज़ इनएबिलिटी टू गेट एंड कीप एन एरक्शन फॉर्म इन अफोर सेक्स ये हमारी डिजीज होती है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए व्यागरा मेडिसिन यूज़ की जाती है So क्वेश्चन नंबर की की होती है एक बीमारी का नाम है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन डी अब यहाँ पे और भी ऑप्शन है जैसे विटामिन ए इससे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इससे होती है नाइंट ब्लाइंडनेस और अगर विटामिन सी से पूछ लिया जाए तो इससे डिजीज होती है स्कर्वी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखते हैं वैनशिप एंटर वाटर ऑफ द सी फ्रॉम लेवल जब एक शिप एंटर करती है क्या चेंजेस होते हैं तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एनि राइज करता है एज द सी वोटर इज सलाइन एंड फोर्स मोर तो ये इसका रीजन है और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ पर्ल इज तो पर्ल यानी कि मोती मोती में जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है जिससे वो बनता है वो मेजर पार्ट क्या होता है तो यहाँ पे हमारा आंसर है 15 का ए यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखते हैं हेल्दी पर्सन नीड्स कैलोरीज पर डे एक हेल्दी पर्सन को एक स्वस्थ व्यक्ति को कितनी कैलोरी चाहिए हर एक दिन में तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड कैलोरीज उसको हर एक दिन चाहिए एक हेल्दी पर्सन को क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द वैल्यू ऑफ वन मैरिन नोट इज मैरिन नोट मतलब कि जब हम वोटर में कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको नोट में या नोटिकल माइल में मेजर किया जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है ये यहाँ पे वन मैरिन नोट की वैल्यू पूछी है तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एटीन हंड्रेड फिफ्टी टू मीटर पर आर क्वेश्चन नंबर एटीन देखते हैं एसिड एंड बेस का माइंड टू फॉर्म ये काफी आपने रिएक्शंस भी किए होंगे किसी एसिड को बेस के साथ हम कंबाइन करते हैं तो क्या आता है तो सिंपल आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी सोल्ट एंड वाटर हमें मिलता है जब भी हम किसी भी एसिड को किसी बेस से जैसे आप NaOH और एच का रिएक्शन कराओगे तो वहां पे सोल्ट और वाटर आपको मिलेगा जैसे एन यू प्लस एच तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा एन ए सी एल प्लस ये दो एच है और एक ओ हमारे पास तो एच टू ओ

तो किस डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए हम एलिसा टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एड्स एड्स को डिटेक्ट करते करने के लिए हम एलिसा टेस्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखते हैं ट्रिपल एंटीजन प्रजेंट्स ट्रिपल एंटीजन क्या प्रेजेंट करता है तो ट्वेंटी का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी डिपथेरिया टेटनस वूफिंग का ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट करता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी तो उसके बारे में पूछा है लाइक like, वुड फोल टुअर्ट द सर्फेस ऑफ द अर्थ वुड हैव नो वेट वुड हैव वन हाफ ऑफ इट औरल वेट एंड नन ऑफ द अब अब यहाँ पे जैसे वुड फोल्ड टुअर्ड द सर्फेस ऑफ अर्थ तो अगर वो फ्रीली फॉलिंग है तो मे बी एयर की वजह से वो ऊपर भी जा सकती है साइड में भी जा सकती है जरूरी नहीं वो बिल्कुल नीचे आए तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है ट्वेंटी टू का ऑप्शन नंबर बी यानी कि वुड हैव नो वेट उसका कोई वेट नहीं माना जाता जब एक बॉडी फ्रीली फॉलिंग होती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री मोटर न्यूरो स्पाइनल कोड ऑफ अ चाइल्ड डेवलप द फॉलोइंग डिजीज अगर मोटर न्यूरोनल कोड की रीढ़ की हड्डी की तो वो डैमेज हो जाए किसी बच्चे की तो उसमें कौन सी डिजीज आएगी तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोलियो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट का पार्ट नहीं है हमें वो बताना है तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस है जैसे विटामिनस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एल्कोहल तो आपको ये तो पता ही होगा विटामिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हमारे लिए बहुत नेसेसरी होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे डाइट के बट एल्कोहल नहीं होता तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्वेंटी देखते हैं क्वेश्चन विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कनेक्शन विद ह्यूमन फिजियोलॉजी ह्यूमन जो फिजिक है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है सही नहीं है जैसे कि ऑप्शन नंबर ए द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटस्टाइन इज सेवन मीटर डायमीटर टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो ये सही स्टेटमेंट है दे आर सिक्स थर्टी नाइन मसल्स इन अ ह्यूमन बॉडी ये हमारा क्वेश्चन है तो ये भी हमारा सही आंसर है ट्वेंटी मतलब सही स्टेटमेंट है सी देखते हैं एन इनफेंट ब्रेद इज फोर्टी फाइव टाइम्स पर मिनट वेयर इज अ सिक्स ईयर ओल्ड चाइल्ड ब्रेद इज ट्वेंटी फाइव टाइम्स पर मिनट तो ये भी हमारा एक तरीके से सही है अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी द वेट ऑफ द अडल्ट ह्यूमन ब्रेन इज नियरली सेवन हंड्रेड ग्राम्स तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि वेट ऑफ अडल्ट ह्यूमन ब्रेन लाइज इन द रेंज ऑफ थर्टीन हंड्रेड टू फोर्टीन हंड्रेड ग्राम और अगर पाउंड्स में बोले तो थ्री पाउंड उसका वेट होता है तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देखते हैं द बोटल्स ऑफ बियर आर नॉट कैप इन द डीप रिजर्व बिकॉज तो इसका क्या हमारा आंसर हो सकता है ट्वेंटी तो सिक्स का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वोटर कंटेंट जो वोटर कंटेंट होता है बियर में दैट गेट्स आइस जो फिर वो एक्सपैंड होता है बड़ा होता है आफ्टर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम टू आइस एंड दिस कुड लीड टू ब्रस्टिंग ऑफ बियर बोटल्स बियर बोटल कभी कभी फट भी सकती है तो इसलिए उसको डीप फ्रीजर में हम नहीं रखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ तो किस प्रिंसिपल पर या किस पर वोटा जो रॉकेट है रॉकेट वर्क किस प्रिंसिपल पे रॉकेट वर्क करता है तो ये हमारा क्वेश्चन है बहुत सारे यहाँ पे आंसर्स है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जिसको हम अगर शो करें तो हम ऐसे शो करते हैं एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू ये तो हमारा फॉर्मूला है अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन तो ये हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इसी पे रॉकेट वर्क करता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज मोर क्लोजली रिलेटेड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी के व्यू पॉइंट से कौन से ज्यादा क्लोजली रिलेट करते हैं एक दूसरे से तो अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो एक तरीके का साइंस है ऑफ नेमिंग डिस्क्राइबिंग क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो एक कैटेगरी में रखते हैं तो ट्वेंटी एट का हमारा आंसर हो जाएगा सी ये फ्लाइज है सारी एक कैटेगरी में है तो इसलिए यहाँ पे को अकॉर्डिंग यही हमारा सही ऑप्शन आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन देखते हैं रेड ब्लड ब्लड कोर्पिसल्स आर प्रोड्यूस्ड इन तो एक इसमें पाई जाती है तो ट्वेंटी नाइन का आंसर है हमारा सी यानी कि बोन मैरो में क्वेश्चन नंबर थर्टी देखते हैं द डिजीज फॉर विच द फर्स्ट ओरल ड्रग हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर ट्रीटमेंट कौन से डिजीज़ थी जिसके लिए पहला ओरल ड्रग डेवलप किया गया था ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन डेवलप की गई थी बेसिकली तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्मॉल पॉक्स तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है ये हमारे रहे टॉप थर्टी क्वेश्चन अगर आपको और भी वीडियोज़ चाहिए रिगार्डिंग बी एड इंट्रेंस एग्जाम्स प्रिपरेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग